विवेकानंद जब एक बार अलवर में अपने युवा शिष्यों के साथ बैठे थे तो ये डिस्कस होने लगा कि आजकल के युवा दो अंग्रेजी अक्षर पढ़ के खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं और कृषि और गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। उन्हें चाकरी करना मंजूर है पर खेती में वे हाथ गंदे नहीं करना चाहते। तो उनकी इस बात पर उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी सही भी तो है, अगर किसान का बेटा पढ़ भी लिया तो उस पढ़ाई का क्या करेगा। स्वामी जी बोले, राजा जनक को स्मरण करो, उनके एक हाथ में हल था और दूसरे हाथ में वेद, इसका अर्थ समझते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ है राजा जनक कृषि और ज्ञान दोनों को एक साथ महत्व दे रहे थे। वे सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को महत्व दिया करते थे और समझते थे कि इसकी ज़रूरत है और इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे राजा जनक अपने राजा के धर्म को निभाने के लिए हल रखकर तलवार भी उठाने में सक्षम थे। उनके उस शिष्य ने पूछा, स्वामी जी राजा जनक का वर्ण क्या था। स्वामी जी ने कहा, अरे बेटा मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मण ही थे, क्योंकि उनका स्वभाव एक अनासक्त ज्ञानी का स्वभाव था, किंतु प्रजा पालन के लिए वे कृषि को महत्व देते थे। हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, जिसको ज्ञान है वह कृषि नहीं कर रहा और जो कृषि कर रहा है उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं। हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए ताकि हमारे खेतों की उपज बढ़े, हमारे युवक पढ़ लिख कर नगरों की ओर नहीं गांवों की ओर बढ़ें। हमारे गांव में ज्ञान की भूख है, उसे देखो। पढ़ा लिखा आदमी जाकर जब ग्रामीणों के बीच बैठता है तो वे उसका सम्मान करते हैं, इस प्रकार ऊंच नीच का भेद भी कम होता है। स्वामी जी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और बोला, तुम भी ज्ञान प्राप्त करो और खेती करो। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी युवाओं की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। संस्कृत इसलिए कि अपने देश, अपने धर्म, अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको और अंग्रेजी इसलिए कि पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से परिचित रह सको। आज से 100 साल पहले इतनी बड़ी बात करने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले स्वामी जी की हर बात आज के समय में रेलेवेंट है। हम अपनी संस्कृति से दूर भागते भागते आज ना जाने कहाँ निकल गए हैं और भटक गए हैं। दूसरी तरफ वो देश जहाँ स्वामी जी 18वीं सेंचुरी में हिंदुइज्म और अध्यात्म का परचम फैलाकर आए थे, वहाँ आज रामायण पढ़ी जा रही है, गौमूत्र को पेटेंट किया जा रहा है और योग को अपनाया जा रहा है। सोचने वाली बात है, हम क्या छोड़ रहे हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं। आप भी सोचिए और उसी प्रकार अपने जीवन का एक सही लक्ष्य और ध्येय बनाइए। हम सब जानते हैं हमारी जिंदगी का सबसे पहला गुरु होती है हमारी माँ और उसके बाद आखिरी गुरु होता है वो ईश्वर तुल्य व्यक्ति जो हमें सदाचरण और सद्भाव से जीने का तरीका सिखाए और हमें हमारे ध्येय तक पहुँचने में हमारा सही मार्गदर्शन करे। हमारे देश में ऐसे कई लोग हुए जो विश्व गुरु कहलाने लायक हैं और सदियों सदियों तक उनके जिंदा ना होने के बावजूद भी हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने रहे और रहेंगे। इनकी ज़िंदगी के आदर्शों से आज भी कई लोग सीख लेते रहते हैं और उन्हें अपना सक्सेस मंत्रा बना लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड स्टे ट्यून्ड टू अनवीलेबल। बाय बाय।